आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। दिवाली की तरह जगमगाते प्रकाश से एकजुटता का दिखाया संदेश। कोरोना नामक जैसी संक्रमित वैश्विक महामारी की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर साहिबगंज जिले सहित बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र की जनता 5 अप्रैल रात्रि 9:09 तक घर की सारी लाइट बंद कर बालकनी व दरवाजे पर खड़े होकर दीप मोमबत्ती फ्लैश लाइट एवं टॉर्च जलाकर कोरोना जैसे संक्रमित महामारी को देश से उखाड़ फेंकने की इस महायुद्ध में प्रधानमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करते हुए देश के प्रति एकजुटता व अखंडता का परचम लहराते हुए इतिहास के 21वीं सदी में 5 अप्रैल की रात दिवाली में तब्दील करते देखी गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मिशन को सफल बनाने को लेकर 5 अप्रैल की देर संध्या बरहरवा नगर पंचायत निवासी समाज सेवी राजकमल भगत उर्फ टिंकू एवं भाजपा महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य ललिता पासवान ने अपने निजी फंड से सैकड़ों लोगों के घर मोमबत्ती दीप तेल व बाती का वितरण किया। आइए हम कई लोगों सहित छोटे छोटे बच्चों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस फैसले को कैसे सराहा है। बरहरवा साहिबगंज से कैमरामैन मिथुन ठाकुर के साथ आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। सभी देशवासियों से आग्रह किया था कि 5 तारीख को 9:09 के लिए घर के सारे लाइट ऑफ करके दिया जलाना है या मोमबत्ती जलाना है या टॉर्च लाइट जलाना है। इसी को देखते हुए हम लोग वैसे परिवार को 5 दिया और एक मोमबत्ती घर घर पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो अपने घर में रहे और घर में रह के दिया जलाए। हम सभी देशवासियों जो है कोरोना को हराने के लिए हम लोग मोदी जी के बातों का समर्थन कर रहे हैं और हारेगा कोरोना जीतेगा भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।